अरे तू खाब में का अगर तू सात जन्म भी अगर लेगा तो हरा नहीं कर सकेगा। अरे पहले का हिंदू नहीं है जो खामोश बैठकर सुने, आज का हिंदू तो पागल है, हरे को भी लाल कर देगा। आज के हिंदू का एकदम अलग ही है मेरे भाई, हरे को भी लाल कर देता। अरे समय आने पर तेरे घर को भी हम काशाय कर देंगे, पूरा का पूरा काशाय कर देंगे। अरे आजकल मीडिया में आने का बहुत शौक हो गया ये गोल्ड रुपए वालों को, बात करते मीडिया में और हमारे मीडिया मित्र बात करते उनको फोकस करते हैं, बात करते उनको फोकस करते हैं। एक ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर बद्रुद्दीन शाह का स्थान है। एक मौलवी कहता है, ये मौलवी पता है ना वो भोपड़ के लंबी दाढ़ी, वो कहता है कि वो बद्रीनाथ तुम्हारा मंदिर नहीं है, बद्रुद्दीन शाह का मंदिर है। अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए तब वो मंदिर का निर्माण हुआ, तुम्हारा इतिहास तो सिर्फ 1400 साल का इतिहास है। अरे 1400 साल पहले वो मंदिर का निर्माण हुआ। मेरे भाई बंधु एक नारा लगा रहे थे, क्या वो कोनारा रे कोनारा क्या था वो, मैं तो नहीं हूं उनका बाप, हिंदुस्तान में हर वो हिंदू इनका बाप है, हिंदुस्तान का हर वो हिंदू। अरे हमारा हिंदू समाज तो लाखों करोड़ों पुराना हमारा हिंदू समाज है, तुम्हारा इतिहास क्या है, सिर्फ 1400 साल का। और ये 1400 सालों में तुम लोगों ने क्या सीखा, क्या सीखा तुम लोगों ने, सवेरे सवेरे कौवे का वैसे पुकारना, बोकुड़ की वैसी लंबी दाढ़ी रखना और सुकोर का वैसा बच्चे पैदा करना, यही सीखा है ना, यही तुमने सीखा है ना। अरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छा ज्ञान दो। अरे हम तो हमारे दो में सम्मिलित हो जाओ, हम पास हमारे 50 करोगे तो आज रोड पे देखो पंचर वाले रिक्शे वाले और क्या क्या की जो भी गलत होता है ये लोग ही करते हैं। कोई नाराज नहीं होना भाई अगर हमको कोई फेवर करता हो। और एक ये कहता है कि भगवान राम अल्लाह को पैदा हुए, भगवान रामचंद्र जी अल्लाह को पैदा हुए। एक कहानी बोलता हूं मैं बचपन में सुनता था मेरे भाई, हनुमान जी को एक गोल टोपी वाला मिल गया और वो कहता है कि मैं तेरे से बड़ा बलशाली हूं, अगर मैं एक पंच मारा तो तुम गोल हो जाओगे। हनुमान जी को कहता है तो हनुमान जी देखते हैं अरे 1.5 फुट के, तू मेरे को पंच मारा और मैं गोल, ठीक है मार। वो बोलता नहीं पहले तू मार, अरे चैलेंज तो तूने किया पहले तू मार, तो ठीक है रेडी, उठा के पंच मारता। हनुमान जी एक इसका पीछे आगे फिर सामने आ गए, वो परेशान, अरे मैं तो मारा था गोल हो जाएगा सोचा लेकिन एक इसके पीछे आगे सामने आ गया देखो। अब हनुमान जी को बोलता कि अब तू मार, हनुमान जी बोलते जा नहीं नहीं चलक चलक चल मार। हनुमान जी खाली उंगली से यूं करते, हनुमान जी क्या करते उंगली से यूं करते गोल, उनके जो फॉलोअर है 5 बार पुकारने आज तक पता नहीं, आज तक पता नहीं उनके कहां रहे, 5 टाइम पुकारा जाता कि आओ 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 कहां से आ गए। अरे तुम्हारी तो आग वो देवों के देव महाबली हनुमान जी ने लगा दी तो कहां से आओगे, और तुम कहते हो कि भगवान रामचंद्र जी तुम्हारे को पैदा हुए, बेटा इतिहास दिखा के देख कहां से आए हो, क्या तुमको याद है। अरे हम हिंदुओं की तो तुम औलाद नहीं।
हम हैं तो तुम है, हम नहीं तो तुम नहीं। हम हैं तो तुम है, हम नहीं तो तुम भी नहीं। इतिहास उठाकर देख, एक बहुत अच्छा एक मौलवी, उसका नाम देता हूं मुफ्ती मोहम्मद इलियास, उसको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूं अगर वो मुझे देख रहा है तो। वो भाई कहता है कि भगवान शंकर तो हमारे पैगंबर है, हमारे पूर्वज है, हम शंकर भगवान की ही संतानें हैं। और जो राम भगवान के ऊपर आरोप लगाता है, जो बद्रीनाथ मंदिर पे आरोप लगाता है, और जो अपने आप को कट्टर, मैं कट्टर हूं गोल्ड टूपी वाले कहने वालों, एक बार यूट्यूब पर मार दो, सर्च करो कि तुम किसकी औलाद हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप भगवान शंकर है। ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारा ही आदमी ने कहा, हम तो नहीं बोले। मेरे भाइयों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की 391वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे भारत देश में। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये वो गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने अपने परिवार को मार दिया लेकिन अपना सर झुकने नहीं दिया। मैं मेरे भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई भी सिख भाई आपको दिखे तो उनको प्रणाम करना, उनकी पगड़ी को प्रणाम करना, जहां भी गुरुद्वारा दिखे वहां जाकर मत्था टेकना और संकल्प लेना कि मैं कभी भी मरूं गुरु गोविंद सिंह जैसा मरूं, मैं कभी भी मरूं तेग बहादुर सिंह जैसा मरूं, मैं कभी भी मरूं तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो चार साहेबजादे यानी चार बेटे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, मैं जीवन में कभी भी मरूं तो इन जैसा मैं मरूं। ये आपको प्रार्थना करनी है मेरे भाइयों। मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा। तेग बहादुर सिंह जी आनंदपुर में बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा, तब तेग बहादुर सिंह के पास महाराज जी के पास एक डेलीगेशन आकर प्रार्थना करता है कि महाराज जी हमें बचाइए, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती हमारा धर्मांतरण किया जा रहा है, आप बचाइए। तो तेग बहादुर सिंह महाराज जी बैठकर विचार विमर्श करते, वही समय पर 8 साल का एक बालक आकर देखता है कि इतना सन्नाटा। उनके पिताजी तेग बहादुर जी महाराज जी से पूछता है कि पिताजी इतना सन्नाटा क्यों, तो महाराज जी बोलते हैं कि औरंगजेब की सेना कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर रही है बेटा, आखिर अत्याचार हम कैसा रोके, इस विषय पे हम विचार कर रहे हैं। तो 8 साल का बालक कहता है कि गुरुजी एक महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। सब लोग देखकर परेशान हो जाते कि एक छोटा सा बालक बलिदान की बात करता है, वो छोटा सा बालक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी होते हैं मेरे भाई। तेग बहादुर सिंह महाराज जी एक पत्र लिखते हैं वो हरामी औरंगजेब को, और वो कश्मीरी पंडितों को देखते हैं, बोलते हैं कि जा पहले तेग बहादुर सिंह जी का धर्म बदल के बता, फिर हम सब हो जाएंगे, बोलकर उसको चैलेंज कर। तेग बहादुर सिंह जी संदेश भेजते हैं और वो हरामी बोलता है कि आओ हमें बात करना है। रास्ते में सेना को भेजकर पकड़ लेता है। तेग बहादुर सिंह जी महाराज अपना शीश कटाते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते, बलिदान हो गए हमारे धर्म के खाते में। ऐसे वीर तेग बहादुर सिंह जी के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 391वीं जयंती चल रही है मेरे भाई। हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए और प्रार्थना करता हूं एक बार, उनकी 2 मूवी बनी हुई है मेरे भाई, 4 साहेबजादे 1 बंदा सिंह सरदार 2, 2 मूवी बनी हुई, एक बार
वो दो मूवी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो देखने को मिलेगा। इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तीन भाषाओं में मूवी है मेरे भाई, एक बार देखो। विश्वास करता हूं एक बार अगर कोई भी अगर उनके इतिहास को जान लेगा तो कोई भी औरंगजेब की नाजायज औलादों को तुम खुद नहीं छोड़ोगे, ये मैं चैलेंज करता हूं मेरे भाई। अरे वो बलिदानी इतिहास है मेरे भाई उनका। अरे कौन कुत्ता कहां से भोंकता है ये मत सोचो, उन कुत्तों के गले हम कैसा पकड़ सकते हैं उस विषय पर विचार करो। हम सबका एक ही संकल्प है, अखंड हिंदू राष्ट्र और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना। यहां पर कितने लोग हैं जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना चाहेंगे? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना मुझे चाहिए ऐसे कितने लोग हैं? जितनों के पास फोन है लाइट्स ऑन करके मुझे बताइए। जितनों के पास फोन है अपनी टॉर्च खोलिए। सब लोग, सब लोग, सब लोग, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। जितने लोग चाहते हैं अपनी टॉर्च खोलिए, सब लोग खोलिए। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना है, उन हरामियों को कहना चाहूंगा कि एक बार आके देख दुनिया में कि कैसे राम भक्तों का निर्माण हो।